जबलपुर के संजीवनी नगर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। जैन मंदिर के पास योगनाथ में प्रवचनकर्ता हर्षिता पाठक अपनी अमृत वचनों की वर्षा कर रहे हैं, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 7 दिन तक चलने वाले इस भागवत में अलग अलग दिन कथाओं का पाठ होगा, जिसमें बड़े ही अच्छे तरीके से विदुषी हर्षिता पाठक श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान कराती हैं। भागवत कथा 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें भागवत के अलग अलग प्रसंगों का वाचन किया जाएगा। हर्षिता पाठक पहली बार भागवत कथा का वाचन कर रही हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। साथ ही ऐसे कठिन समय में भागवत कथा के आयोजन को महत्वपूर्ण भी बताते हैं। और जो भक्ति जिसको उत्सव में आना है, वो चतुर्थ दिवस से आता है महाराज। तो भगवान नारद वेदव्यास जी को समझाते हैं कि आपने अभी तक उस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जिस प्रकार अन्य धर्मों का वर्णन किया है, अन्य शास्त्रों का वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, यथा धर्मस्तयाश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता। आपने सारे धर्मों की रचना कर दी, पर वैसे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। नारद तो जैसे ही ये सुनते हैं वेदव्यास जी, तो वो भक्ति रस का वर्णन करते हैं। हर्षिता पाठक जो है मेरी भांजी है, जो भागवत का आयोजन किया गया है उसके द्वारा जो कथा सुनाई जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से वो बोल रही है, सुन रही है हम लोग। और आज के समय में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में जो लोगों ने है बहुत ज़्यादा परिस्थितियों का सामना किया है, लोगों के यहाँ से बहुत लोग गए भी हैं, इसलिए भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है वो बहुत बढ़िया है। सब इसका बहुत पुण्य लाभ हम लोग को मिल रहा है, सब लोग हैं वो सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। संसार में किशोरी हर्षिता पाठक द्वारा, जिनकी आयु 16 वर्ष है, उनके द्वारा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है। ये संकल्प लेकर हम लोग ये यज्ञ करवा रहे हैं कि कोरोना काल में जितने हमारे भाई बहन जिनको संसार नहीं मिल पाए हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान हो, और साथ में कोरोना को हम सभी चाह रहे हैं कि ऐसा समय दोबारा किसी को देखने ना मिले, क्योंकि यह समय इतना कठिन रहा है मनुष्यों के लिए कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ साथ आप सभी ये आशा करें, उम्मीद करें, और ज्ञान यज्ञ सप्ताह में आप अपना भी एक मानसिक रूप से आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करें कि यह कोरोना काल के समय मनुष्यों की रक्षा भी हो, दोबारा हम सभी को ये समय देखने ना मिले।